आपको पता नहीं होगा, 1960 में गांव गंगवा में डेरा बना था। और मैं आज आपको बता दूं, जब भी चर्चा ही चल रही है तो आज तक मैंने कहा नहीं कि जो डेरा की जो ज़मीन है वो मेरे पिताजी, और वैसे तो चार भाई थे लेकिन तीन भाई डेरा को मानते थे, उन्होंने ही डेरे के नाम उस टाइम पे करवाई थी। और मेरा जन्म तो 1964 का है, बाई बर्थ में डेरा से जुड़ा हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसी विचारधारा से जुड़ा हूँ जो लगातार मानवता की सेवा करने का काम करती है, चाहे वो दीन दुखियों की सेवा करने की बात हो, चाहे वो कहीं भूकंप आ गया हो तो सबसे पहले आपको ग्रीनेस वेलफेयर की जो फोर्स जो बनाई हुई है उसकी आपको पड़े, कहीं भी प्राकृतिक आप अप्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी आपको सबसे पहले वो लोग खड़े मिलेंगे, और चाहे कच्छ भुज के अंदर भूकंप आया, चाहे उनको पुनर्स्थापित करने की बात हो, डेरा सच्चा सौदा ने अनेक इस टाइप के कार्य करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज नशा जिस तरीके से फैल रहा है, उस नशे को मैं आपको हजारों लाखों लोग ऐसे बता सकता हूँ, हमारे यहाँ हजारों लोग, तो मैं यहाँ हिसार ज़िले के रड़ोस पड़ोस बताता हूँ, जो शराब पीते थे उन्होंने छोड़ दी और अपने ठीक लाइन पर आ गए। तो मैं उस विचारधारा से जुड़ा हूँ, मैंने उस विचारधारा की बात की है, जो सत्संग जिसकी आप बात करें वो भी गंगवा के अंदर उस टाइम था, क्योंकि हिसार जोन का था, गंगवा गाँव का डेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए चौधरी रिजोर्ट के अंदर था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको ना पता हो तो। और रही बात ये जो धर्म की जो बात होती है, धर्म पॉलिटिक्स एक अलग अलग चीज़ है, आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस मंदिर में जाते हैं, मैंने तो नहीं पूछा ना मैं पूछता, वो आपकी अपनी आस्था है, तो उसके अंदर कोई भी कोई सवाल उठाना या कोई करना वो भी जैसे मैंने कहा कि इतने मानवता के भलाई के जो कार्य किए हैं वो भी आप लोगों को सबको पता है। नहीं, बिल्कुल सही है सर, डेरे के बारे में आपने इतना भी कहा, तो तमाम चीज़ें सामने, जिक्र डेरे का नहीं था, ना ही डेरे में जाने का, जिक्र उस व्यक्ति के सामने लगभग, देखिए मैं था, मैंने कहा जिन पर आरोप है किसी महिला से दुष्कर्म करने, आप ये बताएं, ये ठीक है कि आज दुष्कर्म है और इसलिए कोर्ट से सजा भी, और वो अगली ऊपर वाली कोर्ट में गए हुए हैं, कल को क्या फैसला आता है क्या नहीं आता उस समय की बातें हैं सारी, मुझे नहीं पता क्या, बहुत से ऐसे जो फैसले हम देखते हैं नीचे से सजा हो जाती है ऊपर बुरी भी हो जाती है, लेकिन मैटर वो नहीं, बात है डेरा सच्चा सौदा के विचारधारा की, मैं उस विचारधारा को फॉलो करता हूँ, आज भी करता हूँ पहले। तो आप मानते हैं कि तमाम जो आरोप है जिसमें वो अंदर है वो झूठे? मैंने नहीं कही ये बात, ये कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं, मैं कोई डिसाइड करने वाला कौन होता हूँ जी, वो कानून अपना कोई काम करता है, कोई भी कोई गलत कार्य करता है या कोई कानून की नज़र में अगर कोई गलत होता है तो वो उसका काम कानून का है ना, तो ये सरकार का है, उसका कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना काम करती है, अपना कोई भी पक्ष जो है जिसके ऊपर आरोप होता है वो रख देते हैं। इतनी चर्चा और कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भी आप लगता है कि आपको, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल कायम हूँ, मैं जो मेरी आस्था है वो यूँ की यूँ है, और जो डेरा सच्चा सौदा के जो विचारधारा जो मानवता भलाई के कार्य हैं उसमें मेरा पहले भी विश्वास था आज भी। थैंक यू।